अब खबर बिलासपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी राजनांदगांव क्षेत्र द्वारा सभी विभागीय संभाग राजनांदगांव, खैरागढ़, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, मोहला, पंडरिया और कलवदा के सभी कृषि पंप उपभोक्ताओं से अपने कनेक्शनों में पर्याप्त क्षमता अनुसार अनिवार्य रूप से कैपेसिटर लगाकर विद्युत विभाग को सहयोग प्रदान करने की अपील की गई है, जिससे विद्युत संबंधी समस्याओं से निजात मिल सके। बिलासपुर रीजन के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों और बहुतायत मात्रा में ग्रीष्मकालीन फसल उगाए जाते हैं, जिनकी सिंचाई के लिए किसानों के द्वारा कृषि पंपों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में विद्युत लोड बढ़ने जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में बिलासपुर वृत्त के अधीक्षण अभियंता जीपी अनंत ने बताया कि वर्तमान में कृषि पंपों का धनत्व ज्यादा हो गया है। प्रत्येक पंप की मोटर इंडक्टिव लोड है। जब एक साथ बहुतायत मात्रा में पंप चलते हैं तो पूरे सिस्टम का लोड असंतुलित होकर बहुत ज्यादा इंडक्टिव हो जाता है और विद्युत प्रणाली का पावर फैक्टर कम हो जाता है। बिलासपुर से सतीश बाटवे की रिपोर्ट। पावर फैक्टर बढ़ जाने के कारण, पावर फैक्टर घट जाने के कारण वो वोल्टेज की समस्या आती है और वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी होता है और पावर भी ज्यादा लगता है। 20% तक की कम पावर में वही पंप चलेगा, ऐसा मोटा मोटी आप समझ लीजिए। तो हमारी अभी जो है क्षेत्र में सभी जगह धान गर्मी की लगाई गई है, जिसके कारण से वोल्टेज की समस्या हर जगह आ रही है। तो इसलिए विशेष रूप से सभी कृषकों से हमारा निवेदन है, चाहे टेम्प्ररी हो चाहे परमानेंट हो, निर्धारित क्षमता के कैपेसिटर अभी अपने पंप में अवश्य लगाएँ और सिस्टम को भी मदद करें।